मेरे जो अध्ययन से मेरे जो संज्ञान में आया और मैंने उसको आपके सामने रख रहा हूं, एक जानकारी आपको भी होगा, आपका जो दोस्त सर्कल को होगा, घर में बच्चे लोग को होगा और बाकी आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्वरूप आंध्र प्रदेश का एनिमल क्या है, ब्लैक बग है, ब्लैक बग। और उसका बाढ़ क्या है, इंडियन रोलर। उसका पेड़ क्या है, आंध्र का नीम। और उसका फ्लावर है क्या है, वाटर लिली। जैसे ये आंध्र का मैंने बोला, ऐसे प्रत्येक स्टेट के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा और आप उसको जितनी याद रखोगे या अगर भूल भी जाओगे, दोबारा जब आप रिकॉल करोगे मेरे चैनल को, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक स्टेट की क्या क्या है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आंध्रा का एनिमल ब्लैक बक, इंडियन रोलर उसका पक्षी, ट्री है नीम और फ्लावर है वाटर लिली। अरुणाचल प्रदेश की है मिथुन एनिमल, बाढ़ है ग्रेट हॉर्नबिल और उसका ट्री है होलोंग, एंड फॉक्सटेल है, फॉक्सटेल ऑर्चर्ड जो है उसका फ्लावर। आसाम की तो उसका जो एनिमल है इंडियन वन हॉर्न्ड रियो रिनो, एंड उसकी जो बार्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डक, एंड उसका जो ट्री है होलोंग, एंड उसका जो फ्लावर है सेम एज इट इज अरुणाचल प्रदेश की, जैसे फॉक्सटेल ऑर्चिड्स। ऐसे ही बिहार की गौर, इंडियन रोलर, पीपल, पीपल का पेड़ है उसकी, और कचनर जो है उसका फ्लावर। छत्तीसगढ़ की वाइल्ड बुफालो, भैंस जो होता है वाइल्ड बुफालो, हिल मैना उसकी बाढ़ है। और आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ फेमस फॉर द साल, उसका जो ट्री होता है उसका आइकन है, और उसका इंडियन लौरे लौरेल है उसकी फ्लावर। ऐसे दिल्ली की नीलगल है, हाउस स्पैरो है और उसका ट्री है गुलमोहर है, एंड अल्फालाफा जो है उसका फ्लावर है दिल्ली की। गोवा का जो एनिमल है गौर है और बार्ड है ब्लैक क्रिस्टेड बुलबुल, एंड ट्री जो है गुलमोहर, और उसको आपका जो सॉरी जो गोवा का है जो ट्री जो है मट्टी, एंड उसका जो फ्लावर है प्लम्परिया रुब्रा। ये है गोवा का। अभी हम जा रहे हैं गुजरात का बताएंगे, और इसको आप याद रखेंगे, अगर बाय चांस अगर नहीं हुआ मेरे यूट्यूब को बीच बीच में आगे पीछे स्क्रॉल करते रहेंगे तो मैं धीरे से बोल रहा हूं आपका याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात का है एनिमल है एशियाटिक की लायन, एंड बार्ड है ग्रेटल फ्लामिंगो, एंड ट्री है बनायन जो बरगद है, और ये उसकी जो फ्लावर है ये मारीगोल्ड है या गलगोटा बोलते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा गुजरात की। और हरियाणा का है ब्लैक बक, अगेन जैसे आंध्रा का होता है, और ब्लैक फ्रैंकोलिन होता है उसका पक्षी, और उसका भी पीपल जैसे होता है, बिहार का जैसे पीपल होता है ट्री, ऐसे हरियाणा का भी पीपल होता है और लोटस होता है, पद्म जो होता है इसका फ्लावर होता है हरियाणा की, ये उसका पहचान है। हिमाचल प्रदेश की स्नो लियोपार्ड, एंड उसका बार जो होता है वेस्टर्न तारागोपन, एंड ट्री जो है दियोदर, एंड आपका फ्लावर जो होता है रोडोडेंड्रॉन। देन ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की हंगुल है, ब्लैक नेकेड क्रेन है उसकी बार, और चिनार है उसकी ट्री पहचान। और सेम हिमाचल प्रदेश की जैसे फ्लावर होता है रोडोडेंड्रॉन, ऐसे भी इनका भी है। मैं आता हूं अभी झारखंड की, और झारखंड की आपको सुनने से खुशी होगा, यहाँ का एलिफेंट है उसकी एनिमल, और उसका बाढ़ है कोयल, बहुत मलय की आगमन का कोयल आवाज से आप लोग को पता चलेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का पहचान जैसे है साल, यहाँ के झारखंड का भी बहुत साल फेमस है, जंगल एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, और इसकी जो फ्लावर है ये है पलाश या पैरोट ट्री, इसको भूलेंगे नहीं। कर्नाटक का फिर वही एलिफेंट है,
इंडियन रूलर उसका पक्षी, और सैंडलवुड चंदन तस्कर बिरप्पा बिरपन चंदन तस्कर बिरपन जो है सैंडल चंदन का लकड़ी, और उसका फ्लावर जो है भाई लोटस। और केरला का जो है फिर वही एलिफेंट एंड ग्रेट हॉर्नबिल ऊंट का जो बाढ़ होता है, और नारियल का पेड़ जो होता है केरला आपको फेमस होगा, उन लोगों नारियल का तेल का खाना भी बनाते हैं, और आप लोग को खुशी होगा उन लोग का जो फ्लावर होता है कानीकोना करके बहुत फेमस है, बहुत फेमस और खुशबूदार है, और ये गोल्डन सावर ट्री है, और ये केरला का मध्य प्रदेश का सैंप डियर है, हिरण है, और नियरेस्ट आपको कान्हा केसरी पार्क है मध्य प्रदेश नियर बालाघाट के पास, आप लोगों को पता होगा, और ये फेमस पार्क जहाँ पे अभी रिसेंटली टाइगर को लेके शिफ्टिंग करता किया गया था, जो उड़ीसा से शिफ्टिंग किया गया था आप लोगों को याद होगा, और उनका जो बाढ़ होता है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर होता है, और वो भी उनकी जो ट्री का पहचान होता है वो भी बर का पेड़ होता है, बरगछ होता है, उसको बनायन बोलते हैं, और सेम उसका पालास और पैरट ट्री जैसे झारखंड का होता है। तो ये मध्य प्रदेश का गया, महाराष्ट्र का जायंट स्क्वायर स्क्वायरल है उसका एनिमल, एंड उसकी जो बाढ़ है वो ग्रीन इंपेरियल पिजियन है, और यहाँ का फिर वही हमारा जातीय फ्रूट जो है नेशनल फ्रूट मैंने बोला था आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंगो, मैंगो है महाराष्ट्र की फेमस, और ये उसकी पहचान है ट्री मैंगो का ट्री, और ये है जारुल इसके जो फ्लावर की, और मणिपुर की है संगल, और मिसेस ह्यूम्स फेजेंट जो है यहाँ एक बाढ़ का नाम है, और तुन करके जो है वो ट्री है, और शिरोई लिली जो है उसकी फ्लावर है, मेघालय की क्लाउडेड लियोपार्ड है, और जो एनिमल उसकी जो पक्षी होता है हिल माइना, और गमारी होता है उसकी ट्री, और गमारी आपको पता होगा बहुत कॉस्टलियर होता है, शिशु गमारी हम लोग बोलते हैं, गमारी बहुत रेट है, और वो काला रंग की होता है शिशु गमारी, वो चंदन टाइप का व्हाइट रहता है, और शिशु काला रहता है, और गमारी व्हाइट रहता है, पेंट देने की जरूरत नहीं, वो सालों साल भर है, वो बहुत सुंदर दिखता है, और उसका जो फ्लावर होता है लेडी स्लीपर ऑर्चाइड होता है। मिजोरम की ये होता है शिरो, एंड उसकी जो फिर वही मैं बताऊंगा, मणिपुर का जो बाढ़ का नाम है मिसेस ह्यूम्स फेजेंट एंड आयरन वुड उसका जो है ट्री, और रेड बंदा उसका है फ्लावर, नागालैंड का मिथुन एंड भाइस ट्रागोपैन, याद रखिए ब्लाइथ ट्रागोपैन ये इसकी बाढ़ का नाम है, ऑल्डर जो है उसका ट्री का नाम है, और वही है रोडोडेंड्रॉन उसका, जैसे मैंने रिपीट किया था हिमाचल प्रदेश की और आपका जम्मू कश्मीर की जो फ्लावर वो सेम यहाँ का भी है। तो मैं अभी आ रहा हूँ उड़ीसा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जरूरी है, यहाँ का हाथी पहचान है एलिफेंट, उसका एनिमल जो है, और उसका जो बाढ़ है पीकॉक मयूर है, जो भगवान की जगन्नाथ की माने सिर पे शोभा लेता है, और वहाँ का बरगछ जो है बनयन जो है वह है वहाँ का ट्री कहलाता है, और अशोक जो है उसका फूल जो होता है उड़ीसा का, ये पहचान है। देन आइए पंजाब, पंजाब का जो एनिमल है वो ब्लैक बग है, अगेन जिन्हें मैं आपको बताया था आंध्र प्रदेश का ब्लैक बग है, ऐसे ही उसका नॉर्दर्न गोसाउक उसका बाढ़ है, और शीशम जो है मैं शीशम बोला था आपको, शिशु उसको शीशम बोलता है, शीशम जो है ये पंजाब का पहचान है ट्री में, और ग्लाडियस जो है वो उसकी फ्लावर का पहचान है, राजस्थान का चिंकोरा एंड इंडियन बूस्टर जो है बाढ़, और खेजरी जो है उसकी पेड़, और रोहिरा जो है उसकी फूल, और सिक्किम की है रेड पंडा, और वो एनिमल का बाढ़ का है ब्लड फिजेंट, मैंने ब्लड फिजेंट आपको ऑलरेडी बताया था दूसरा जैसे कि स्टेट की, और ऐसे भी आपको रेडोडेंड्रन ऑलरेडी बोला था कि जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश जम्मू का रोडोडेंड्रन जो है वो यहाँ का
माने ट्री के नाम आ गया, फिर नोबेल ऑर्चिड जो है फ्लावर है। तो देन आपको तमिलनाडु का नीलगिरी था, आपको पता होगा नीलगिरी वो हिल है, फेमस है, उसी नीलगिरी था एंड इसके एनिमल है एमरलैंड डोव है और पॉलीमर पाम है, बड़ा बड़ा जो ट्री होता है ताल का पेड़ होता है वो तमिलनाडु में फेमस है। वहां पे उनका रस को भी पान करते हैं, सुबह सुबह सूरज से पहले पान करने से शरीर के लिए वो बहुत ये होता है, डायबिटीज एंड शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे भी मैं और एक आड़न करता हूँ, कहीं कहीं ये ताल का रस, खजूर का रस, ये सब विभिन्न स्टेट में भी है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, और पाम वगैरह जो है वो साउथ में है, तमिलनाडु में ये फेमस है। और इसकी जो फ्लावर का पहचान है वो कंधल है, तो तेलंगाना का है, स्पॉटेड डियर है, जिसको आप पता नहीं होगा जिंका बोलते हैं, स्पॉटेड डियर दाग रहता है वो, आपको तेलंगाना का वो जो आपको लाएगा उस तरफ आपको जाएंगे, अमरावती होते हुए आप गुंटूर हॉस्पिटल तरफ आप जाएंगे जो बॉर्डर में, वो सब दिखाई देते हैं। तो देन इंडियन रोलर जो है उनका बाढ़ है, उसको पालापीटा बोलते हैं कभी कभी, वो लोकल लैंग्वेज में भी उसको पालापीटा बोलते हैं। और समी जामी छेटू इसकी मतलब ट्री का नाम है, एक्चुअली उसको समी बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में उसको जामी चेटू चेटू बोलते हैं। और इनकी जो पहचान है फूल की वो है तनर्स कासिया, त्रिपुरा का, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत लोग याद नहीं रखते हैं। ये है थायरस लांगूर, इनके एनिमल का नाम है, और ग्रीन इंपेरियल पिजन है उनकी बाढ़, और अगर है उसकी ट्री, और नागेश्वर है उनकी फ्लावर। उत्तराखंड का है मुस्केडियर एंड हिमालयन मोनाल है उसकी बाढ़ की, और ट्रीज की जो है बुरंस एंड ब्रह्म कमल वो बहुत फ्लावर है, बहुत कम मिलता है। उत्तराखंड देवभूमि है जहां चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एक धाम है, ये ब्रह्म कमल करके होता है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये वहां का जो बटरफ्लाई है उसको जनरली बोलते हैं कॉमन पिकअप, ये याद रखिए, बटरफ्लाई को वहां का कॉमन पिकअप पिकअप बोलते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश को चलते हैं, स्वाम्प डियर बोलते हैं उसका एनिमल को, और सारस क्रेन बोलते हैं उसकी बाढ़ को, अशोक बोलते हैं उनका ट्री को, और ब्रह्म कमल जैसे उत्तराखंड का है वो, उत्तराखंड उत्तरांचल पहले अनडिवाइडेड था, अभी तो उत्तरांचल है, पहले उत्तर प्रदेश के साथ था, वही ब्रह्म कमल उनकी फ्लावर है। और वेस्ट बंगाल का माइडर फेंस फिशिंग कैट है, और उनकी जो एनिमल फिशिंग कैट और बाढ़ जो है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, एंड उनकी जो ट्री है वो डेविल्स ट्री, एंड शिफाली है सेफाली, वो जो है उनकी फूल का पहचान। आइए अंडमान निकोबार चलते हैं, दुंगंग है उनका एनिमल, अंडमान वुड पिजन है बाढ़, और अंडमान पडुक है उनकी पहचान है ट्री की, और फ्लावर की है पाइनामा ट्री। मैं आप लोग को यहाँ पे अंडमान निकोबार का एक लोकल लैंग्वेज में उसको बोलता है राजेस्ट्रोनिमिया हाइपोल्यूका, ये याद रखिए वो लोकल लैंग्वेज वहां का है, वो अंडमान निकोबार का वो फ्लावर को कहते हैं। ऐसे ही आइए चंडीगढ़ के पास आते हैं, चंडीगढ़ का एनिमल जो है इंडियन ग्रे मोंगूस है, और उसका जो पक्षी है वो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल बिल्ली है, और उसकी ट्री जो है मैंगो है, और उसका जो फ्लावर है वो धक है। दादर एंड नगर हवेली की मेरे पास मेरे संज्ञान में कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाया, और मैंने जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन वेबसाइट से, न्यूज लेटर से और मेरा अध्ययन से, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मेरे को इंफॉर्मेशन मेरा संज्ञान में आएगा आपको लोग के पास पहुंचाएंगे। डामन ड्यू का भी मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ मेरे संज्ञान में मैं अध्ययन के चलते हुए नहीं पाया, और मैं आपको बताऊंगा। और लाख्यादेव की बटर जो एनिमल होता है वो बटरफ्लाई फिश होता है,
और उसका जो बाण होता है स्पूटी टर्न होता है, और उसका जो ट्री होता है ब्रीड फ्रूट होता है, और आपको जो फ्लावर है ये लाक्षाद्वीप की बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, आपको सुन के खुशी होगा, उसको नीला कुरुंजी, नीला कुरुंजी बोलते हैं। और अंत में पांडिचेरी में एनिमल को स्क्वायरल बोलते हैं, और उनका बाढ़ को हम लोग एशियन कोयल बोलते हैं, कोयल बहुत आवाज देती है। और उसका जो ट्री होता है वो बायल फ्रूट ट्री जो होता है, और फ्लावर जो होता है माय डियर वो होता है कैननबॉल फ्लावर या नागालिंगा फ्लावर। दोस्त ये जो मैंने एनिमल बाढ़ और जो ट्री फ्लावर जो मैंने मेरी संज्ञान में जो आया ये बोलते ही वो पर्टिकुलर राज्य का हमारा मन में आता है, ये वो राज्य का पहचान है। जैसे कुछ कुछ नाश्ता से पहचान आ जाता है, ऐसे ऐसे पहचान आ जाता है एक राज्य का। तो मेरे को आशा है कि आप लोग को ये जो मेरा जानकारी अच्छा लगेगा, और आप लोग को ज्ञान बढ़ेगा और दूसरों को बांटोगे, और मेरी जो संज्ञान में मेरा अध्ययन से मेरी पीएचडी में कर रहा हूँ, तो ये पीएचडी फिलोसफी करते करते रिसर्च में जब जब मेरे संज्ञान में आता है नॉलेज मैं इकट्ठा करता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी माध्यम से आप लोग के पास पहुँचाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे आपका कैसे लगा कमेंट्स जरूर करेंगे और उसको दूसरों से बांटोगे। धन्यवाद।